वी ट्वेंटी नाइन प्रो स्मार्टफोन रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इस स्मार्टफोन को यूज़ करते हुए 10 डेज हो चुके हैं। इस स्मार्टफोन का हम कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। स्मार्टफोन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। वीवो की जो वी सीरीज है वो हमेशा कैमरा के लिए चर्चा में रहती है, तो स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं, तो स्मार्टफोन का हम कंप्लीट रिव्यू करेंगे। वीवो वी ट्वेंटी नाइन प्रो की आपको प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलती है। स्मार्टफोन को जब आप हाथ में पकड़ते हो तो आपको कहीं भी स्मार्टफोन चुभता नहीं है। स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है, जो बैक पैनल है, वो एज देखने को मिलते हैं अच्छी। आपके हाथ में स्मार्टफोन की जो ग्रिप बनती है, बैक आपको ग्लास मिलता है, और जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी आपको ग्लास मिलता है। कैमरा की जो रिंग है वो आपको एल्यूमिनियम मिलती है। तो स्मार्टफोन जब आपके हाथ में होता है तो आपको एक अलग ही प्रीमियमनेस फील करवाता है। वीवो वी ट्वेंटी नाइन प्रो में आपको 6.7 इंच की सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले मिलती है, जो सपोर्ट करती है 120 हर्ट्ज की अडेप्टिव रिफ्रेश रेट को। इस स्मार्टफोन में आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। स्मार्टफोन को जब आप इंडोर आउटडोर में यूज करते हो तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। डिस्प्ले में कलर है वो भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। वीवो वी ट्वेंटी नाइन प्रो में जो डिस्प्ले मिलती है वो आपको बेस्ट देखने को मिलती है। Vivo V29 Pro में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। Vivo की जो V सीरीज है वो कैमरा के मामले में हमेशा आगे रहती है। तो इस स्मार्टफोन में आपको इस बार न्यू 12 मेगापिक्सल का 2x ऑप्टिकल लेंस ऐड कर दिया है, जिससे जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है, और जो वीडियोग्राफी है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। और इस स्मार्टफोन के बैक कैमरा से आप बूके इफेक्ट वाली वीडियोज भी बना सकते हो, वो भी 2x ऑप्टिकल लेंस में। और इस स्मार्टफोन में आप 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। Vivo V29 Pro में फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर कैमरा मिलता है। फ्रंट में भी आपको 2x का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहली बार मैंने Vivo के स्मार्टफोन में ऐसा देखा है कि जहां फ्रंट में आपको 1x और 2x का ऑप्शन मिलता है, वहीं जो प्रीमियम स्मार्टफोन आते हैं, जो लो बजट के स्मार्टफोन आते हैं, वहां पे आपको ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। स्मार्टफोन में आपको एक रिंग लाइट देखने को मिलती है, इसमें आप अलग अलग कलर हैं वो चेंजेस कर सकते हैं, और अलग अलग फोटोज हैं कलर के हिसाब से आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। स्मार्टफोन से हम बहुत सारी फोटोज और वीडियोज क्लिक करते हैं और चेक करते हैं स्मार्टफोन की वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी है वो कैसी है। Vivo V29 Pro में आपको MediaTek Dimensity 8200 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो बेस्ट है 4nm पर। स्मार्टफोन आपको Android 13 पे बेस्ट देखने को मिलता है। स्मार्टफोन के एंटूटू स्कोर की बात करें तो 9 लेक के अराउंड आपको एंटूटू स्कोर देखने को मिलते हैं। स्मार्टफोन में आप हेवी गेमिंग कर सकते हैं, लेक की कोई भी प्रॉब्लम आपको स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलेगी। अगर स्मार्टफोन को आप नॉर्मली यूज करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलने वाली है। तो प्रोसेसर के मामले में 40,000 स्मार्टफोन आता है, और इस बजट में ये प्रोसेसर है वो बेस्ट देखने को मिलता है। Vivo V29 Pro के बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें आपको 4600 mAh की बैटरी मिलती है, और 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। Vivo V29 Pro 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है, और आराम से आपको एक दिन का बैटरी बैकअप स्मार्टफोन दे देगा। तो बैटरी के डिपार्टमेंट में आपको Vivo V29 Pro में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, आराम से आप स्मार्टफोन को एक दिन यूज कर सकते हो। Vivo V29 Pro में आपको दो कलर देखने को मिलते हैं, ब्लैक और ब्लू। इस स्मार्टफोन में आपको दो रैम वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 8GB रैम और 12GB रैम। प्राइस की बात करें तो 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट आपको मिलता है 40,000, 12GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट मिलता है आपको 43,000। बात करते हैं स्मार्टफोन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। पहले बात करें स्मार्टफोन के डिसएडवांटेज की, तो पहला इसका डिसएडवांटेज है, इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। 40,000 की प्राइस में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जो 40,000 बजट के अंडर आते हैं, बट उसमें आपको ड्यूल स्पीकर मिलता है। स्पीकर की आवाज़ है वो लाउड है, बट वो इतना प्रीमियमनेस है वो फील नहीं करवाती है। दूसरा स्मार्टफोन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको साइड फ्रेम है वो प्लास्टिक देखने को मिलती है। अगर इस स्मार्टफोन में आपको एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलती तो स्मार्टफोन प्राइस को सेटिस्फाई करता। ये दो डिसएडवांटेज है जो मुझे स्मार्टफोन में लगे। अब मैं स्मार्टफोन के एडवांटेज की बात करूं तो इसमें आपको बहुत सारे एडवांटेज देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले है वो आपको बेस्ट देखने को मिलती है, कैमरा है वो भी आपको बेस्ट इन क्लास देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप वो भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, प्रोसेसर है वो भी आपको बेस्ट देखने को मिलता है। अब बात आती है स्मार्टफोन को बाय करें या नहीं करें। तो जितना मैंने स्मार्टफोन को यूज किया है, स्मार्टफोन है हर एक कैटेगरी में बेस्ट है, तो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। 40,000 का स्मार्टफोन है, अगर आप इसमें बैंक कार्ड लगाते हैं तो स्मार्टफोन आपको 35,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है, और 35,000 की प्राइस में एक बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है Vivo V29 Pro। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।